जय हिंद। नमस्कार दोस्त, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए है जो SSC GD 2021 की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको सभी को पता है कि इस बार SSC GD में नेगेटिव मार्किंग का सभी को सुनने में आ रहा है कि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, और अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो उसका क्या नुकसान, क्या फ़ायदे होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही जो इस वैकेंसी में कितनी पोस्ट आएगी, कितनी पोस्ट आने के चांस है, कौन सी आपको पोस्ट चूज़ करनी चाहिए, कौन से स्टेट से हो तो आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में पूरी बात करेंगे, और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए इसमें हम बात करेंगे। दोस्तों, साथ ही बता दूं जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। उधर मैं तो रीजनिंग SSC GD के लेवल का क्लास चला रहा हूं मैं, तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि SSC GD के जो सबसे अगर नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो किस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग रहेगा, उसका कितना इफेक्ट होगा। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने अभी वाली जो मेरिट देखी SSC GD की, आपको पता है इतनी हाई मेरिट गई है। इसका रीज़न था कि एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, एक इसमें नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये मेरिट इतनी अपर गई। नॉर्मलाइजेशन से आप सभी को पता नहीं होगा, कई बार 100 में से 105 नंबर भी होते हैं, क्योंकि इसमें गुणांक में चलते हैं तो 100 से भी बाहर चले जाते हैं। इस बार भी कई बच्चों के 99 हैं। साथ बता दूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज नहीं ले रखे तो परीक्षा ऐप है, इसकी टेस्ट सीरीज SSC GD के लिए शानदार टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो ले लीजिए, बहुत ही मतलब शानदार टेस्ट सीरीज है SSC GD के लिए, नई तरीके से नई वैकेंसी के लिए। और आप इस ऐप से जाके टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, और मेरा प्रमो कोड है कमांडो50, वो यूज़ करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट में वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। दोस्तों, तो आप अभी जाके ले सकते हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो ऑनलाइन टेस्ट किस प्रकार से देना उसके बारे में। साथ ही नेगेटिव कितने आपके क्वेश्चन नेगेटिव हो रहे हैं, कितने सही आ रहे हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी, तो आप परचेज कर सकते हो। दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि अगर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आपको बता दूं दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग रहने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला है। आपको पता है इससे पहले जब वैकेंसी होती थी SSC GD की, उसमें सबसे पहले रनिंग होती थी, उसके बाद में पेपर होता था। लेकिन इस बार इस प्रकार से हुआ था कि पहले पेपर हुआ उसके बाद में रनिंग। इसका रीज़न क्या हुआ था कि कई लड़के फिजिकली स्ट्रांग होते हैं लेकिन पेपर में उनके पासिंग मार्क भी नहीं आते, तो इसलिए इस बार SSC GD ने इस प्रकार से बनाया था कि पहले पेपर करवाया उसके बाद में फिजिकल, लेकिन फिर भी मेरिट इतनी अप गई। इसका रीज़न क्या था, क्योंकि टिप्पा पत्ती चल जाती है जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। नेगेटिव मार्किंग होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन बच्चों को होने वाला है जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई करने पे पूरा मतलब फोकस कर रखें अभी से, उनको नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगर नेगेटिव मार्किंग रही। तो होता क्या है नेगेटिव मार्किंग से, अगर मान लो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रही, यानी 4 क्वेश्चन पे आपका एक नंबर काट लिया जाएगा, तो यानी 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको 5 क्वेश्चन का दंड देना पड़ेगा। मतलब 4 का तो नंबर आएंगे नहीं, एक और आपका जाएगा, तो मतलब 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे 4 के चक्कर में। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो इस प्रकार की गलतियाँ नहीं करेगा। तो नेगेटिव मार्किंग का पहला फ़ायदा तो ये होगा कि मेरिट का इस तरह अच्छा रहेगा, यानी जिस प्रकार से इस बार मेरिट जंप करी है इतनी मेरिट जंप नहीं करेगी। दूसरा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो जिसकी ज़्यादा मेहनत होगी उसको, क्योंकि टिप्पे मारने वाली पत्ती इसमें चलेगी नहीं। नेगेटिव मार्किंग होने से क्या है कि कोई भी अनुमानित आंसर जैसे अब किसी के दिमाग में आ रहा है बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसको सटीक पता है वही क्वेश्चन करेगा। और याद रखना, इस प्रकार का अगर नेगेटिव मार्किंग SSC GD में होती है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको क्लियर है तो वही टिक करना, आपको बिल्कुल अनुमानित वाला क्वेश्चन भी आपको राइट या रॉन्ग नहीं करना है। मतलब आपको 100% पता है कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है, उस क्वेश्चन को ही करना है। उससे क्या होगा कि आपकी मेरिट अच्छी बनेगी, और नेगेटिव मार्किंग जितनी आप नेगेटिव मार्किंग कम करा सकते हो उतनी कम, यानी आपको गलत आंसर करना ही नहीं। मैथ रीजनिंग में आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं, क्योंकि मैथ रीजनिंग आप मिलाते हो तो आपको कई बार ऑप्शन में मतलब आप इस प्रकार से उलझ जाते हो कि कई बार टिक गलती से हो जाता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन GK और हिंदी में आपको इस प्रकार की गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है कि उनमें आप नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में पड़ जाओ और अनुमानित उत्तर देने के चक्कर में फंस जाओ। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अभी अगर आप तैयारी कर रहे हो SSC GD की, तो अभी से अच्छे से तैयारी शुरू कर लीजिए। ये माइंड में दिमाग में बात लेके चलिए कि इस बार SSC GD की जो वैकेंसी आ रही है इसमें नेगेटिव मार्किंग होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट आ रही है। आप सभी को पता है कि इस बार SSC GD का जो अनुमानित पोस्ट है वो 84,000 के आसपास लगा रहे हैं कि 84,000 पोस्ट SSC GD में आ सकती है, वो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें इस बार CRPF BSF में आने वाली है। अब जो लोग मेरे से बार बार पूछते हैं कि सर इनमें से अगर CRPF BSF ITBP इनमें से अगर हम फर्स्ट चॉइस कुछ भी चुने, या हमारे स्टेट के हिसाब से हमको कौन सी फर्स्ट चॉइस देनी चाहिए, या हम जहाँ से जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से नक्सल या बॉर्डर इन एरियो से हमको फर्स्ट चॉइस हमारी क्या होनी चाहिए, कौन सी फर्स्ट चॉइस हमको मिलने के ज़्यादातर चांस मिलते हैं, तो दोस्तों बता दूँ कि
फर्स्ट चॉइस से आपकी मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ता है। जितनी आपकी मेरिट जाती है, अगर आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती तो सेकंड मिल जाती है, सेकंड नहीं तो थर्ड मिल जाती है, थर्ड नहीं तो फोर्थ मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप फर्स्ट चॉइस कोई भी कर सकते हो, उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी मेरिट में नंबर ऊपर नीचे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके मान लो मेरिट गई है 64 पर, आपके 64 नंबर है, तो आपको 64 नंबर के अनुसार जो पोस्ट मिलनी है वो मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी ने 63 नंबर आ रखे हैं, 63 नंबर आपके 64 है, तो 63 वाले को पहली मिल जाएगी ज़्यादा पोस्ट वाली, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले इसकी जो मेरिट डिसाइड करती है वो आपके नंबर पे डिसाइड करती है, पहले नंबर पे। उसके बाद में अगर नंबर सेम है तो दो, जैसे ए भाग और बी भाग में, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ पे, इसके अनुसार इसकी मेरिट बनती है। फिर आपकी जिस स्टेट से, जिस डिस्ट्रिक्ट से जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से आपको सीट मिलती है। तो जो फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, ये जो चॉइस है, ये आपसे केवल एक रेफरल मांगा जाता है। इसका बेसिकली आपकी मेरिट पे कोई भी डिपेंड नहीं पड़ता है। आप फर्स्ट चॉइस में चाहे NIA कर दो, SSF कर दो, फिर CISF, BSF या ITPP, अब आपके नंबर के अनुसार। अगर आपके नंबर इतने बहुत अच्छे हैं और आपकी फर्स्ट चॉइस है तो मिल जाएगी। अगर आपके नंबर लास्ट मेरिट के लास्ट एंड में, तो आपको जो डिपार्टमेंट जो चाहे वो आपको वैकेंसी जिसमें आपकी सीट दे सकता है। बाकी इसका स्पेशली कोई मेरिट पे असर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से आप इसके लिए चिंतित नहीं हो। जो फॉर्म भरने के टाइम आएगा, इसके बारे में अगला वीडियो बना दूंगा कि आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए और क्या उसके फ़ायदे हैं, उसके बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना इसी चैनल पर। तो अब अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो मैंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग का जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, वो होता है GK और हिंदी में। होता क्या है कि हिंदी या GK में आपको ऐसा लगता है ये हो सकता है, ये हो सकता है, और जहाँ हो सकता आता है ना, वहाँ पर आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन जो सबसे खास बात होती है मैथ और रीजनिंग की, यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत कम होती है। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो SSC GD की, तो मैथ और रीजनिंग को बहुत ही अच्छे से कर लीजिए। मैथ रीजनिंग की जैसे मैंने दूसरे चैनल पर, मैं क्लास में चला रहा हूँ फौजी मैथ अकेडमी पर, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी अगर आप अच्छे से तैयारी जैसे अपनी बुक से भी कर सकते हो या ऑनलाइन भी कहीं पढ़ते हो, तो मैथ और रीजनिंग की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए दोस्तों। मैथ रीजनिंग की अभी से शुरू कर दीजिए। 25 मार्च से जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे SSC GD के, तो जिस दिन आपके फॉर्म भरे जाएंगे उस दिन से आप GK को ऐड कर लीजिए, या GK आप करंट GK हमेशा पढ़ते रहिए। पेपर से न्यूज़पेपर आप अभी से पढ़ने की आदत डाल लीजिए, उसके आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। इसलिए न्यूज़पेपर आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए दोस्तों। उससे होगा क्या कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको GK से जुड़ाव होगा, GK से आपको लगन होगी, अच्छी GK याद होगी। इसके बाद में मैथ और रीजनिंग आपकी पहले हिंदी है, वो आप लास्ट के 3 महीने में कवर कर सकते हो, या 2 महीने भी अगर आप हिंदी को दोगे तो भी कवर कर सकते हो, क्योंकि हिंदी का नॉर्मल ही लेवल आता है SSC GD में। कोई हाई लेवल की ग्रामर हिंदी की नहीं आती है, नॉर्मल आते हैं, तो इसलिए आप उसको कवर कर सकते हो। इसलिए आप, अगर आपको SSC GD इस बार 90 पार स्कोर करना है या बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, अगर नेगेटिव मार्किंग रहती है तो आपका 85 या 90 के बीच में स्कोर होने से बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब फिर आपका 100% सिलेक्शन रहेगा। लेकिन 85 या 90 की अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए, यानी इस बार 90 पार, तो आपको सबसे पहले मैथ और रीजनिंग को तैयार करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद में GK में सबसे ज़्यादा आपको विज्ञान को समय देना होगा, साइंस को और कंप्यूटर को। आपको इस बार मैं बता दूँ, SSC GD में जो खास भाग जुड़ने वाला है वो है कंप्यूटर। इस बार SSC GD के पेपरों में कंप्यूटर आपको देखने का मिलेगा सिलेबस में 100%। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं, तो आपको GK में GS, जनरल साइंस और जनरल कंप्यूटर, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इस बार कंप्यूटर आपके जोड़ा जाएगा SSC GD के सिलेबस में। तो हो गया मैथ रीजनिंग का सेम पैटर्न रहने वाला, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा दोस्तों। लेकिन GK में बहुत सारे चेंजिंग हो सकते हैं, जैसे इसमें इस बार जनरल साइंस का भाग ज़्यादा जोड़ा जा सकता है, साथ ही कंप्यूटर का। इसलिए इन दो सब्जेक्ट को भी आप ध्यान में रखें। करंट GK भी जोड़ा जाएगा, तो करंट GK तो आप पढ़ते ही हो। इसके अलावा हिंदी ग्रामर, इसको आप आसानी से लास्ट में पढ़ सकते हो। तो ये आप किस प्रकार से पढ़ना दोस्तों, ताकि आपको फ़ायदा हो इस वैकेंसी में। और नेगेटिव मार्किंग का 100% आपको फ़ायदा होगा, अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको 101% आपको इसका बेनिफिट होगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।